देश की शान और संगीत जगत की शिरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। महान गायिका लता मंगेशकर ने भारत में फिल्म संगीत को एक नई परिभाषा दी थी। उन्हें स्वर साम्राज्ञी और सुर कोकिला भी कहा जाता था। कई लोग तो उन्हें संगीत और सुरों की देवी तक कहते थे। लता दीदी का फिल्मी संगीत करियर आधी सदी से भी ज़्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को शहर इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी एक गायक थे। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर कलाकार भी थे। लता मंगेशकर अपने पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना 1949 में आई फिल्म महल के लिए गाया था। इस फिल्म में उनकी गायकी की काफ़ी तारीफ हुई थी। फिल्म महल में उनके गाने को मशहूर संगीतकारों ने नोटिस किया और उन्हें मौके मिलने लगे। इसके बाद अगले 4 दशकों तक लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में हजारों गाने गाए। पाकीज़ा, मजबूर, आवारा, मुगले आज़म, श्री 420, आराधना और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्म में भी उन्होंने गाने गाए। जब लता मंगेशकर ने 1962 में चीन के साथ युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में ऐ मेरे वतन के लोगों नाम का गीत गाया था, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आँखें भी भर आई थी। अपने 70 साल लंबे करियर में लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने गाए। ऐ मेरे वतन के लोगों, लग जा गले, ये कहाँ आ गए हम, और प्यार किया तो डरना क्या, उनमें से कुछ नाम है। लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुण्यात्मा को विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थीं और रहेंगी।